तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग, हमारे पास पैरा बना हुआ रहता है। इसी तरह 8-10 प्लेट पैरा बना के रख रेडी रहता है। तो अभी हम आप लोगों को आटा लगाना तो नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आप लोगों को पैरा दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो एक पेशा जो बढ़िया सा नया एक रेसिपी बनाने वाला हूँ, वो कैसे बनाना और कैसे क्या करना, उसका स्टॉपिंग कैसे क्या करना वो दिखाऊँगा। तो हम लोग के पास इसी तरह नान का, रुमाली का पैरा कटा हुआ रहता है, बहुत सारा पैरा रहता है फ्रिज में और काफ़ी सारा है। रोज़ रात को रखा जाता है, दिन को ख़त्म होता है। तो हम अभी आटा लगाना नहीं दिखाया, डायरेक्ट आप लोगों को इसी से स्टार्ट कर दिया। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, दो पैरा हमने निकाला। अभी जो भी स्टार्टर अभी बनाने वाला हो, ये दो स्टार्टर आप लोग को लो, दो पैरा में हो जाएगा स्टार्टर हमारा फास्ट फूड है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हम लोग कितना प्लेन, कितना बढ़िया सा मैदे का पैरा काट के रखा रहता है, ये अच्छी तरह लगा के रखा रहता है। तो आप लोगों को दिखा दिया इससे पहले भी वीडियो में कि मैदा कैसे लगाया जाता है, या किसी दिन में फुल रुमाली आटे का पैरा कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जैसे कि हमने एक ब्रश एक ले पीस ले रखा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा छोटा सा इसमें काट लेंगे, और इसका जो मसाला बनाएंगे आप लोग देखते रहिए इसको कैसे कटिंग करना है और कैसे इसका आगे का प्रोसेस करना है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले काटना कैसा है। तो ये हमारा चिकन है, लेग बॉनलेस। तो बॉनलेस चिकन को इस तरह लेना है और इस तरह इसको काट लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि साइड का जो फैट होता है, ये फैट को फेंक देना होता है। अब इसको बारीक बारीक इस तरह हम एकदम पतला पतला बारीक बारीक काट लेंगे दोस्तों, क्या पतला पतला बारीक बारीक काट लेंगे। तो इसको जैसे कि पतला पतला बारीक बारीक हो रखा है ना दोस्तों, तो इसको अभी तो एक बीच से दो काट लगाएंगे इस तरह, थोड़ा सा दो काट लगा देंगे। तो दोस्तों ये जैसे कि देख सकते हो कट के रह गई। इसी तरह आधा हम ब्रेज बॉलेस भी ले लेंगे। तो ब्रेज बॉलेस के लिए हम सबसे पहले इस तरह चीरा मार लेंगे, साथ ही साथ इसको फिर से और एक चीरा मार लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको लंबा लंबा काट लेंगे जैसे कि मैंने काटा। तो आप लोग भी उसी तरह काट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों ये हो चुका है चिकन काटना रेडी। साथ ही साथ आप डालेंगे चिकन, हो गए हमारे रेडी काट के। अबे तो दोस्तों अब डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन बेल पेपर। तो ग्रीन कैप्सिकम भी हम इसी तरह ले लेंगे हाफ, और इसको फाइन बारीक काट लेंगे इस तरह, फाइन चॉपिंग कर लेंगे। तो ये होगा ये रेडी चॉप। अब साथ साथ डालेंगे येलो बेल पेपर उतना ही। तो ये हो गए येलो बेल पेपर। रेडी साथ साथ डालेंगे, साथ साथ डालेंगे हाफ ऑनियंस फाइन चॉप कटा हुआ। इस तरह दोस्तों फाइन चॉपिंग कर लेंगे कांदा को एकदम बारीक बारीक। देखा ना दोस्तों कैसे चीरा मारा मैंने। तो इसी तरह इसका चीरा मारने का दोस्तों, और नीचे तक कटिंग नीचे तक आना चाहिए। तो ऐसा जैसे दबाओगे ना कांदा को तो ऐसा हिलना चाहिए, जैसे कि देखिए ये कैसे हिल रहा है, तो ऐसा हिलना चाहिए तब जाकर कांदा बारीक होता है। अब इसको फाइन चॉप काट लेंगे। तो ये हो गए फाइन चॉप कांदा, और चाहिए नहीं हमें। तो दोस्तों बाद में इसमें डालेंगे एक हाफ थोड़ा सा रेड बेल पेपर, ठीक है दोस्तों। तो ये रेड बेल पेपर हम अभी डाल देंगे, तो इतना काफ़ी है रेड बेल पेपर। तो इसका भी हम बारीक बारीक एकदम सुपर
फाइन चॉप काट लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चॉपिंग काटिंग रेडी है। अब इसको एक बॉल में डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसको आने का प्रोसेस कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इस तरह एक प्लेन बॉल ले लेंगे। इसके बाद सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे। कांदा, बेल पेपर, जैसे कि सब देख सकते हैं प्लेन, सारे मटेरियल हमने इसमें डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका मसाला कैसे बनाना, क्या क्या डालना है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा पास चॉप मीडिया रेडी है। तो चॉप ग्रीन चिल्ली ये हाफ टेबल स्पून, गार्लिक हाफ टेबल स्पून, जिंजर हाफ टेबल स्पून, क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, वाइट पेपर हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, गार्लिक फ्राई किया हुआ, तो ये गार्लिक फ्राई किया हुआ, इसमें हल्दी डाला हुआ है। तो ये जो तड़का है ये तड़का बोला जाता है इंडियन तड़का। ठीक है दोस्तों, ये तड़का दे देंगे एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून तड़का इसमें हम डाल देंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त स्वाद आता है दोस्तों। अब डालेंगे हाफ टेबल स्पून देगी मिर्ची पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, धनिया पत्ता स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, बड़ा टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ चीज़, एक बड़ा टेबल स्पून, एक बड़ा स्लाइस लेमन जूस। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैंने इसमें कितना सारा मसाला डाला है। तो ये सारा मसाला डालने के बाद दोस्तों आप लोग सोच सकते हो कि इसका जो टेस्ट बनने वाला है इतना लाजवाब, इतना बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा ना दोस्तों कि आप लोगों को खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। और मैं जिस तरह बना रहा हूँ आप लोग भी इसी तरह घर पर बना लीजिएगा। ब्लैक सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला हाफ टेबल स्पून। अब ये सारे मसालों को हम इस तरह मिक्स कर लेंगे दोस्तों। चिकन के साथ जो हमारा चिकन है, चिकन के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसको जो चिकन है दोस्तों, चिकन के साथ मसाला एकदम मेल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो मसाला बनना है वो दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मसाला कितना यम्मी और कितना मज़ेदार मसाला बना हुआ है ना दोस्तों। तो ये मसाला जैसे हम स्टॉपिंग करके आप जो आगे का बनाने वाला हूँ तो आप लोग देख के आप लोगों को इतना मज़ा आएगा दोस्तों खाने में कि क्या बताए दोस्तों। तो हमारी जैसा रेसिपी आप लोग घर पर ट्राई कीजिए। जो मेरे होटल लाइन का दोस्त लोग है वो होटल पे कहीं भी नया जगह पे जाकर ट्रायल पे दे सकते हो। आप लोग जहाँ पर हो वहाँ पे कुछ नया डिश के नाम से दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं बनाना इसको। इसका नाम है दोस्तों, जैसे देख सकते हो हमारा मैदा रेडी है। ये पुटली चिकन के लिए चिकन रेडी है और ये मैदा पुटली चिकन के लिए पुटली के लिए मैदा रेडी है। ये पुटली चिकन है और ये पुटली है। ठीक है दोस्तों, ये चिकन अरे पुटली बनेगा तो दोनों का नाम होता है पुटली चिकन फ्राई। जो आज हम तंदूर से कुछ करेगा नहीं, इसको आज इंडियन स्टार्टर में डाल देंगे, जिसके लिए इसका नाम है पुटली चिकन फ्राई। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका पैरा काट लेंगे तीन, इस तरह दो पैरा का हम छः पीस बनाएंगे। तो इस तरह छः पीस कर लिया हमने पैरा को। अब इसको थोड़ा सा राउंड पे घुमा लेंगे, ऐसा 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 और ऐसा। अब आप लोगों को दिखाते हैं पुटली चिकन फ्राई को कैसा रेडी करना है। हमको इसको बहुत अच्छी तरह बेलना है दोस्तों। ये बेलने में कला है दोस्तों, बेलने में जो है बेलने में कला है। इसको इसी तरह लंबा करते जाने का,
इसी तरह लंबा करते जाने का। कलाबाजी दोस्तों इसी पे, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बहुत बढ़िया सा पट्टा इसका लंबा करके। इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक चम्मच पुटली चिकन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते हो चिकन डाल दिया हमने। ये बहुत मज़ेदार चटपटा डिश है दोस्तों, आप लोग घर पर बनाएगा, सबके लिए बनाएगा। इस तरह इसको लेना है, फिर इस तरह इसको मोड़ना है, फिर इस साइड से मोड़ना है, फिर इसको जाना है, फिर राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है, फिर इसको राइट टर्न लेना है दोस्तों, फिर इसको राइट टर्न लेते लेते रावण पे पहुंच जाना है। अभी हो गई पुटली चिकन। ठीक है दोस्तों, तो ये रेडी है आपके पुटली चिकन का चिकन। एक पुटली बना के तैयार है आपका। आप हम दूसरा पुटली के लिए आप लोगों को तैयारी दिखा देते हैं। उसको इस तरह लेने का और फिर इसको लंबा बेलते जाने का दोस्तों। कैसे लंबा बेलते जाने का दोस्तों, इसी तरह इसको लंबा बेलते जाओ। जैसे कि मैं बेल रहा हूँ दोस्तों, इसी तरह लंबा बेलना है दोस्तों। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर से एक चम्मच जो हमारा पुटली चिकन का मसाला बन के रेडी है वो डाल देना इस तरह ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे कि देख सकते हो हमने पुटली चिकन में डाल दिया स्टॉपिंग के लिए। अब फिर इसको इस तरह से घुमाना है, फिर इस तरह से घुमाना है, फिर इसको एक राउंड जाना है, फिर राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, और फिर इसको इस तरह गोल गोल आगे की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रेडी। अब इसको क्या करना है, हमको इस तरह एक शेप दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए चिकन, तरह एक शेप दे देना है। ये हो गए पुटली चिकन दोस्तों। इस तरह इसको भी बेल लेंगे दोस्तों लंबा सा। इसी तरह जैसे कि हमने बेल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी इसी तरह बेल देना है लंबा करके। बहुत इजी है, बहुत आसान है रेसिपी दोस्तों। आप लोग घर पर ट्राई कीजिए, होटल लाइन का दोस्त लोग होटल पे ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया सा रेसिपी है, बहुत मज़ेदार आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है रेसिपी में खाने में आप लोगों को। फिर इसको इस तरह लेना है, इसको इस तरह लेना है, फिर राउंड राउंड जाना है, फिर इस तरह जाके आप लोगों को इसको ऐसा ही थोड़ा सा फ्रेश कर देना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जैसे कि लोग देख सकते हो थोड़ा सा प्रेस कर दिया। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। इसी तरह हम एक एक करके सबको बना लेंगे और आगे का क्या है वो आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ा मैदा थोड़ा ज़्यादा रखने का दोस्तों, ताकि चिपके ना बेलते समय। तो आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार एक नया रेसिपी लाया हूँ, तो आप लोग इसी तरह पुटली चिकन फ्राई का मज़ा लीजिए, घर पर बनाइए, सबके लिए बनाइए। इस तरह इसको रोल कीजिए और फिर इसको इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रेस करना है। इस तरह हम एक एक करके सबको बना देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। इस तरह देख सकते हो कितना बढ़िया सा मैंने बेल लिया इसको। ये बेलने का कला बहुत इम्पोर्टेंट है, बेलना बराबर चाहिए दोस्तों आप लोगों को। इस तरह एक चम्मच मसाला इसके अंदर स्टॉपिंग कर देना है और फिर इसको इस तरह घुमा लेंगे, साइड से मार लेंगे, फिर साइड से, और फिर इसको आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आगे आके हम इसको इस तरह हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये जैसे कि देख सकते हो हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
फ्राई करने के लिए लेके जाएंगे इस तरह। हमारा पोटली रेडी है, अब इसको फ्राई कर देते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि पोटली को कैसे फ्राई किया जाता है। तो हमारा तेल का जो टेम्परेचर है लगभग 40% इसका टेम्परेचर है, 40 है। तो इसके अंदर आप हम एक एक करके ये जो पोटली है इसको इस तरह छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह एक एक करके हम पोटली को इसमें छोड़ देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा पोटली जो है बहुत बढ़िया सा कलर आ रहा है और इसको बहुत ही स्लो गैस में इसको पकाना है दोस्तों। ज़्यादा फास्ट हाई गैस नहीं करना है, क्योंकि हाई गैस करेंगे तो हमारा जो भी मीजर में है मटेरियल है अंदर वो कच्चा है, तो इसके लिए इसको स्लो आंच पे इसको अच्छी तरह पका लेना है। चलिए दोस्तों, तब तक आप लोगों को हम ये जब तक पके तब तक आप लोगों को एक सॉसेस कैसे बनाना है वो दिखा देते हैं। सॉसेस कैसे बनाना है वो दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये हमारा पास है गार्लिक सॉस, तो हम एक बड़ा चम्मच गार्लिक सॉस ले लेंगे इस तरह, एक बड़ा चम्मच गार्लिक सॉस ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम डाल देंगे एक चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे बस, और कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों। तो चिली फ्लेक्स और गार्लिक सॉस का इसका मज़ा लेना है इसमें। तो ये हमारा सॉसेस रेडी है पोटली के लिए, और पोटली कबाब के लिए हमने इस्तेमाल किया ऑनली गार्लिक सॉस और चिली फ्लेक्स। 1.5 चम्मच गार्लिक सॉस और हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। तो आप लोग अगर चिली फ्लेक्स ना मिले, चिली फ्लेक्स आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा, गार्लिक सॉस ना मिले तो आप लोग टाटा सॉस इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मेनूस। दोस्तों देख सकते हो हमारा जो पोटली है कितना मज़ेदार बना हुआ है, लग रहा है ना दोस्तों मज़ेदार। तो ये जितना मज़ेदार लग रहा है खाने के लिए उतना ही मज़ेदार लगेगा इसको देखने के लिए, सॉरी दोस्तों। जैसे कि इसको देखने में जितना मज़ा आ रहा ना, खाने पे भी उतना ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा और पकने देते ताकि हमारा अंदर का चिकन जो है वो कच्चा ना रहे। अब थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर हम इसको बढ़ा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर आया हुआ है, थोड़ा और कलर आया हमें बाकी है तो थोड़ा और फ्राई होने देते।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग पोटली का जो कलर है दोस्तों लाजवाब कलर आया हुआ है। इसको और हमें गोल्डन नहीं करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरह एक बार दो इस तरह पोटली को खड़ा देना है। मुझे सारा पोटली इसमें आएगा, इसमें एक उठा लेंगे तो पाँच उठाओगे इसको भी हम इसके ऊपर से डिकर की लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, गार्लिक सॉस पुटली का सॉसेस आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इतना यम्मी लग रहा है कि आप लोग तो बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने में दोस्तों। इसी तरह इसमें पानी हमें जुड़ेगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो जो भी बने आप लोगों तक पहुंचता जाए। ठीक है दोस्तों, फिर से ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डाल देंगे। तो देखिए अभी हमारा चिकन फिलिप रेडी बनके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कम कीजिए। ओके दोस्तों। तो सर अपनी फ्राई बना लीजिएगा।